नमस्ते अय जी, आज हम रेकी की प्रैक्टिकल क्लास में हैं। अब तक मेरे वीडियोस में आपने सीखा रेकी कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन सारी चीज़ों को जो मैंने अब तक सिखाया है उसे इस वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी सब्जेक्ट के तौर पर हैं, एक पेशेंट के रूप में वो लेटी हुई, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो यहाँ लेटी हुई है। आप जब भी कभी किसी पेशेंट की हीलिंग करेंगे, जब भी किसी इंसान की, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की हीलिंग करेंगे, तो इस तरह से उसे लेटाएंगे। या तो वो इंसान खुद लेटा होगा या उसके नाम से कोई प्रतीक चिन्ह, जैसे कोई तकिया, कोई गुड़िया, कोई टेडी बियर, वो भी हो सकता है, जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखा था। लेकिन एज अ रेकी हीलर, हमेशा आपके पास जो भी कोई इंसान आएगा अपनी तकलीफ़ों को लेकर के, अपने दर्द को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, तो आप अपने क्लिनिक में, अपने घर पे या जहाँ भी आप हीलिंग करते हैं, कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि एक गिलास पानी, करीब एक गिलास पूरा पानी अपने पेशेंट को, अपने मरीज़ को पीना होगा। जो भी पेशेंट हीलिंग करा रहा है वो एक गिलास पानी पिएगा। क्यों पिएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, आपका पेशेंट भी पिएगा और आप भी पिएंगे जब भी आप हीलिंग करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, अगर लाइन से 3-4 पेशेंट हैं या लाइन से और कई हीलिंग करनी है, तब भी क्या आपको पानी पीना होगा हीलर को? जी नहीं, रेकी कॉलिंग के थ्रू आपके बॉडी में, आपके ऑरा में, आपके रीढ़ की हड्डी में जहाँ सातों चक्र होते हैं, वहाँ एक ऊर्जा उतरती है, और उस ऊर्जा को धारण करने के लिए आपके शरीर में पानी की सही मात्रा होनी ज़रूरी है, इसीलिए हम पानी पीते हैं। अब मैं मानता हूँ कि आपका मरीज़ पानी पी चुका है, अब उसे रिलैक्स होकर के लेटने बोलिए। जब भी आपका मरीज़ लेटा होगा तो वो हमेशा एक कॉमन गलती करता है, क्योंकि वो शरीर का बेसिक फंक्शन है। जब भी वो लेटता है इस तरह से अपनी हथेलियों को क्रॉस कर देता है, वो इस तरह से अपनी हथेलियों को क्रॉस करके लेटता है, तो ये नहीं होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, आसमान की तरफ खुला करके, ठीक है, और पैर आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो ये होगी हीलिंग की सबसे सही प्रोसेस, आपस में पैर जुड़े ना हो किसी भी तरीके से, उंगली एड़ी आप ध्यान देंगे, दोनों तलवे आपस में ना जुड़े हों, थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। अब इस तरीके से आपका मरीज पूरी तरह से तैयार है उसकी हीलिंग के लिए। नाउ अब आप हीलिंग करते हैं। नॉर्मली जब किसी पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज़ उनके घुटने में दर्द है, सपोज़ उनके सीने में दर्द है, सपोज़ उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, सपोज़ उनको सिर का दर्द है, सपोज़ उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी किसी मरीज की हीलिंग करेंगे उनकी आँखों में एक कपड़ा रख देंगे, एक पट्टी रख देंगे, ताकि वो आसानी से कम्फर्टेबल होकर के शून्य में रहें। जो आप बोल रहे हैं, जो अफर्मेशन आप कह रहे हैं, उस पर उनका ध्यान हो। आँखें खुली होने से कहीं ना कहीं ध्यान उनका भटकता है, तो उनका फोकस अपनी हीलिंग पर हो, और उनको कह दें कि अगर आप बिना बोले हीलिंग कर रहे हो, अगर आप शांति से अफर्मेशन अपने मन में रखकर हीलिंग कर रहे हो, हीलर की बात कर रहा हूँ, तो अपने मरीज़ को ये बोल दें कि देखो आप अपने लिए प्रार्थना करो कि आपकी ये जो हीलिंग हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, और हे प्रभु मेरी हीलिंग अच्छे से करिए, मेरी तबीयत अच्छे से ठीक कर दीजिए, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच करके उसकी हीलिंग के बारे में सोचें। नाउ अब आपको जैसा कि मालूम है कि इनके शरीर में 7 चक्र हैं, तो कोई भी हीलिंग हो, चाहे कोई भी हीलिंग हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे सिर में कहीं का दर्द हो, चाहे तलवे का कहीं दर्द हो, आपको अपने मरीज़ का इस तरह से जब आप प्रॉपर हीलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले 7 चक्रों को 3-3 मिनट हील करेंगे। जी हाँ, अगर आप पहली बार मरीज की हीलिंग कर रहे हैं तो 7 चक्रों को हीलिंग करेंगे, लेकिन अगर आप पूरे महीने के लिए उसकी हीलिंग रोज़ कर रहे हो तो रोज़ ये 7 चक्रों को हील करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार ज़रूर कीजिएगा, 7 चक्रों को हील कीजिएगा, और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए 7 चक्रों को हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 7 चक्र हील कर देने से आपकी हीलिंग की जो स्थिरता है वो ना बढ़ जाती है, वो आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि आपको मालूम है कि सब कुछ सही होने वाला है। बाकी जो हीलर है अपनी विवेक से
अब अपने पेशेंट की समस्या को ध्यान में रखते हुए हीलिंग कर सकता है। तीन तीन मिनट ना सही, कुछ 30-30 सेकंड की हीलिंग हो, लेकिन करें। सातों चक्रों पर अपना ऊर्जा जरूर फैलाएं। 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, इतने में भी आप बहुत हद तक काम कर लेंगे। ये आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप पुराने हीलर हैं तो 30 सेकंड भी बहुत होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चक्रों को कैसे हील करना है। कभी भी अपने मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमारे सामने दीदी ये फीमेल है, तो फीमेल को तो वैसे भी आप नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल हो या फीमेल, हाथ कभी नहीं लगाते और इस तरह से हील कर दें। अब आप क्या गलती करेंगे, कभी भी थोड़ा पास आ जाइए, आप हमेशा गलती क्या करेंगे कि अगर आप कभी किसी की हीलिंग करें तो आप इस तरह से हाथ रखेंगे या आप इस तरह से आ जाएंगे हील करने के लिए। ये गलती भी कभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऊपर से आ रही होती है और जो भी प्रॉब्लम है ऊपर की तरफ उड़ रही होती है। तो कभी भी अगर हीलिंग करते हैं तो इस तरह का होगा। सातों चक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, जितने भी चक्र हैं उसके सीधे उसके ऊपर हाथ न रख करके इस तरह से हाथ रखेंगे अपने मरीज के। आपकी कल्पना में आपको मालूम है कि कौन सा चक्र कौन से जगह पे है, तो आप इस तरह से हाथ रखेंगे और इस तरह से उनकी हीलिंग करेंगे। अब आपको मालूम है कि इनके घुटने में दर्द है, आपके घुटने के दर्द की हीलिंग करने, तो आप घुटने के दर्द को इस तरह से हाथ रख के 3 से 5 मिनट तक हील कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका जो मैं खुद हमेशा अपनाता हूँ, मैं हमेशा शरीर के हर अंग पर हाथ रख के हीलिंग नहीं करता हूँ। मेरे हीलिंग का तरीका कुछ ऐसा है, मैं हमेशा यहाँ हाथ रखता हूँ और अपनी कल्पना से अपनी हथेलियों से ऊर्जा उस घुटने तक या पैर की उंगली तक या जहाँ भी प्रॉब्लम है, चाहे दांत हो, चाहे हाथों की उंगली हो, या शरीर के स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, या उनकी कोई लाइफ में कोई समस्या हो, या उनका मन शांत नहीं है, जो भी वो समस्या के लिए हीलिंग कराना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। मतलब शरीर का सबसे ताकतवर चक्र जो होता है वो होता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, तो दोनों यहाँ पे होते हैं। सहस्त्रार चक्र होता है राजा और आज्ञा चक्र होता है काइंड ऑफ मंत्री। सारी पावर राजा के हाथ में होती है, लेकिन सारी शक्ति का इस्तेमाल करने वाला होता है आज्ञा चक्र। तो दोनों ही चक्र आपके इन दोनों हथेलियों के आसपास आ जाते हैं और जो भी आप प्रार्थना करते हैं यहाँ से ऊर्जा सीधा वहाँ तक कमांड पहुँचती है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ना जा करके सीधा मेन पावर सोर्स को हीलिंग की जाए तो हीलिंग सबसे अच्छी होती है। अब मुद्दा ये है, क्या हमेशा आपके पास मरीज होगा तभी हील कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मरीज आपके पास नहीं है तो आपके पास इस तरह से कोई टेडी बियर हो सकता है, आप टेडी बियर को हील कर सकते हैं, ये उनका प्रतीक चिन्ह हो सकता है। सातों चक्र आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, उसकी समस्या आपको यहाँ से भी समझ में आ रही है। और अगर टेडी बियर भी नहीं है तो आप एक फ़ोटो ले सकते हैं, अगर फ़ोटो भी नहीं है तो एक कागज़ में पेन या पेंसिल से आप खुद उनके लिए कोई प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर प्रतीक चिन्ह भी नहीं है आपके पास तो आपकी कल्पना शक्ति काफ़ी है, लेकिन कल्पना को इतना ज़्यादा लोड देने से अच्छा है कुछ बना करके उसे ईजी कर दिया जाए, जिससे हर रोज़ की हीलिंग में आपको बहुत आसानी होती है। हीलिंग से जुड़े और भी बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, क्या एक हीलर को 21 शरीर के 24 अंगों में हर रोज़ हीलिंग करनी चाहिए? जी नहीं, सातों चक्रों की हीलिंग से भी सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एक हीलर को शुरुआती टाइम में खासकर पहले लेवल पे 21 अंगों की हीलिंग करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि उन्हें बैठना नहीं आता। एक नए हीलर को एक जगह पे स्थिर होकर ध्यान लगाना नहीं आता, ध्यान में आना नहीं आता। हमारे गुरु हमेशा कहा करते थे कि ध्यान एक घटना है जो रोज़ अभ्यास करने से एक दिन घटती है। 24 अंगों की हीलिंग का अभ्यास ही उस घटना को घटाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, अगर आप ध्यान की अवस्था में जाना सीख चुके हैं तो आप सातों चक्रों की हीलिंग करके भी सारी
सिद्धियों को या सारी ऊर्जाओं को प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिए आप ये हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग के दौरान कभी कभी मरीजों को या आपका जो पेशेंट है उसे अपने हाथों में झुनझुनी लग सकती है, पैरों में झुनझुनी लग सकती है, गले में या मस्तक पर झुनझुनी लग सकती है। उस कंडीशन में आप अपने मरीजों को बता दीजिए, अगर ऐसा कुछ भी लगे तो आवाज़ करके या बोल करके बताएं। उस तुरंत उस टाइम पे हीलिंग को रोके, उन्हें इस तरह से उठा करके या बैठा करके थोड़ा सा हाथों को रब करके वापस लेटा कर हीलिंग कर सकते हैं। एक हीलर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी की हीलिंग करेगा पहले खुद के लिए एक सुरक्षा कवच बनाएगा। सुरक्षा चक्र अपने आप के लिए ज़रूर बनाएगा। सुरक्षा चक्र के लिए मैंने कई वीडियो में सुरक्षा चक्र बनाना सिखाया है। मेरी वीडियोस देखने वालों को ये बात पता है सुरक्षा चक्र कैसे बनाते हैं। दूसरा, जिस कमरे में आप हील कर रहे हैं कोशिश करें कि वो कमरा रोज़ हीलिंग करने वाला हो या वहाँ आप प्रैक्टिस करते हो तो ही उस कमरे में हील करें। लेकिन अगर किसी नए कमरे में अचानक किसी नए घर में हीलिंग कर रहे हैं तो सभी कोनों को एक बार शुद्ध कर लें। सभी कोनों को शुद्ध कर लें ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक किसी भी अनोन जगह पे ऐसे ही हीलिंग नहीं कर सकते आप। ऊर्जा का डिसबैलेंस रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, तो उन सबको न्यूट्रल करके आप हील कर सकते हैं। कमरे को शुद्ध करना भी मैंने सिखाया है, मेरे वीडियोस पे रखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। जब हीलिंग पूरी हो जाए, जैसे कि 5 मिनट 6 मिनट का जो हीलिंग है वो पूरी होने के बाद आपको और क्या ध्यान देना है, जब आप पेशेंट को उठाओगे तो उसे भी एक सुरक्षा चक्कर में डाल दोगे और अपने आप से डिस्कनेक्ट करोगे, फिर ही हीलिंग कंप्लीट होगी। अब मैं एक पूरा मूवमेंट जो मैंने वर्बली आपको समझाया है उसे मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने रेकी हीलिंग को कॉलिंग किया, अपने गुरुओं को, परमपिता परमात्मा को, इस यूनिवर्स को याद किया, बुलाया, और अब मैंने हाथों में सिंबल्स ड्रॉ किए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ये वो नमक पानी है या अग्निकुंड है जहाँ मुझे उसे रखना है। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। इस तरह से आपके दोनों हाथों में रेकी के ये पवित्र सिंबल्स को आपने ड्रॉ कर लिया है। अब इनको शुद्ध करना है तो बिल्कुल वैसे ही चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। नाउ इस तरीके से आपने इनके शरीर को शुद्ध किया, ऊर्जा से भर दिया। अब ये हीलिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जो लोग रेकी थर्ड लेवल जानते हैं वो पिरामिड बनाना भी जानते हैं। अपनी कल्पना से यहाँ एक पिरामिड आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अपनी कल्पना से ही एक पिरामिड बना लेंगे तो वो ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और ज़्यादा बेहतर होता है। आने वाले वीडियो पे मैं पिरामिड बनाने का सही तरीका सिखाऊंगा, पेन और पेपर में समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना पिरामिड के भी आप आराम से हीलिंग कर सकते हैं। और अब बात आती है, पेशेंट की शुद्धिकरण हो चुका है, आपका शुद्धिकरण हो चुका है, और अब पेशेंट के किसी भी शरीर के अंग को आप इस तरह से हील कर रहे हो। मेरा जो तरीका है वो है, लेकिन जो रेकी में हीलिंग करते हैं सब लोग, मैं वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कि उनके यहाँ पर उंगली में बहुत दर्द है, चोट है, तो यहाँ आपने 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक हील किया। 3 से 5 मिनट का ही हीलिंग होता है ना। दूरी कितनी भी हो सकती है, थोड़ी दूरी बना के रखें, अच्छी बात है। और कल्पना शक्ति से आप एक अफर्मेशन देंगे कि परमपिता परमात्मा की कृपा से, इस मदर नेचर की प्राण ऊर्जा से इनके घुटने में, इनके अंगूठे में लगा हुआ ये चोट जो किसी कारण से लग गया है उससे ये रेकी ऊर्जा पूरी तरह से हील कर रही है, ये प्राण ऊर्जा पूरी तरह से ठीक कर रही है। जो प्रोसेस कई दिनों में होता है
वो जल्दी से हो रहा है, इनको जो तकलीफ़ हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उस वो दर्द भी अब कम हो रहा है, और जिन गलतियों की वजह से ये चोट इन्हें लगा है, उन गलतियों के लिए परमपिता परमात्मा इस मरीज को माफ़ करें, क्षमादान दें। क्योंकि जो भी तकलीफ़ मिलती है, जो भी तकलीफ़ शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या जीवन में जो भी कष्ट या प्रॉब्लम हमें आते हैं, उसके लिए गुरुओं ने हमें बताया है, ये हम मानते हैं कि हमारे ही कोई ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने हमसे हो गए हैं, उसके फल स्वरूप हमें मिला है। तो आप एज अ हीलर उनको उस गलती के लिए माफ़ी दिला रहे हो अपने हीलिंग के द्वारा, तो माफ़ी मिलने से ये चीज़ें हो जाती है। अब सवाल ये बनता है कि आपके माफ़ी मांगने से उनको माफ़ी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। आप हीलिंग ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज में वो कुछ तो आपको दे रहे हैं और आप तक पहुँचे हैं, ये भी उस परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर आपके माफ़ी मांगने से उनको माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक सवाल जो हर हीलर के मन में होता है कि अगर कोई हीलिंग करने से आप जो होनी है क्या उसको बदल रहे हैं, जो होनी को टाल रहे हैं, इनको जो सज़ा मिली हुई अगर आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहीं उस समय के काल के बीच में तो नहीं आ रहे? जी बिल्कुल नहीं आ रहे। आप सिर्फ अपने हिस्से की ईमानदारी निभा रहे हैं, आप सिर्फ अपने हिस्से की हीलिंग कर रहे हैं। होना और नहीं होना, उसको ठीक करना और नहीं करना, उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। आपने सिर्फ दुआ की है, आपने सिर्फ कोशिश की है, आपने सिर्फ अपने ईमानदारी से अपने पुण्यों के दम पर आपने मांगा है। और ये हीलिंग कोई हैक नहीं है, ये हीलिंग कोई क्रैक नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का ही एक दिया हुआ तरीका है कि भाई इंसानों को बताया है कि कहीं इस तरीके से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो ये कोई काला जादू नहीं है कि आपने कोई गलत काम कर रहे हो किसी के लिए, नहीं, आप लोगों को ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो। इसमें सिर्फ आप एक माध्यम बन रहे हो, करने वाले वो परमपिता परमात्मा ही हैं। तो मन में कभी भी ये मत रखना कि मेरे ये कर देने से कुछ बुरा ना हो जाए, या फिर इसका जस्ट उल्टा, ये मन में भावना कभी आने मत देना कि आप ही इन्हें ठीक कर रहे हैं। किसी भी मरीज़ को ये बोलना भी मत अपने मुंह से, आपके मरीज़, आपके पेशेंट, इवन आप लोग भी मेरे वीडियो पे लिखते हो मुझे कि आपसे, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपकी बातों को सुन के ऐसा हुआ, आप मेरे गुरु हो, ये हो वो। मैं यहाँ पर एकदम सीधे क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूँ आपसे पहले इस ज्ञान के बारे में। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं और आपका मरीज़ ठीक होता है और आपसे ये कहता है कि आपने मुझे ठीक किया, तो उन्हें पलट कर तुरंत बोलना, मैंने ठीक नहीं किया, परमपिता परमात्मा ने ठीक किया, मैंने सिर्फ अर्जी लगाई थी, मुझे बस एप्लीकेशन लिखने सही से आता था, उनको वो एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, मुझे ये एप्लीकेशन लिखने आ गया है। अब ये वीडियो देख करके आपको भी ये एप्लीकेशन लिखने आ चुका है। तो आप सिर्फ एक अर्जी लगा रहे हो उस मदर नेचर के सामने, उस प्राण ऊर्जा से भरे हुए इस ब्रह्मांड के सामने, जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, ऑथेंटिक है या नहीं रिव्यू करता है, और जब उसे लगता है कि ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक है तो इस मरीज को वो ठीक करता है, इनकी प्रॉब्लम्स को वो ठीक करता है। तो इतनी सारी बातों को समझने के बाद आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि रेकी हीलिंग करना जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। मेरे कहने का मतलब, ज़िंदगी के ज़्यादातर सवालों के जवाब सिंपल होते हैं लेकिन आसान नहीं, वैसे ही रेकी सिंपल है पर आसान नहीं। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होना है, ये उलझा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना आना होगा। एक हीलिंग एक बार में नहीं होती है। अगर इस मरीज़ के घुटने के दर्द को मैं ठीक करता हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं घुटने का दर्द अभी ठीक कर रहा हूँ, नहीं, ये घुटने का दर्द अभी इसलिए ठीक हुआ क्योंकि इस घुटने को दर्द को ठीक करने के लिए मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है अकेले में बैठ करके, है ना। तो जितने भी हीलर्स हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अच्छी हीलिंग कर पा रहे हैं, उन्हें मैं दिल से बधाई देता हूँ।
और जो हीलर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो अभी तक हीलिंग नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से एक अच्छे हीलर बने और अच्छे से हीलिंग करें। कभी भी पाने की इच्छा से हीलिंग करोगे, वो पाना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके मरीज की वाहवाही हो, आपके मरीज की श्रद्धा हो, कुछ पैसे हो सकते हैं, या कोई भी कारण। अगर आप पाने की इच्छा से करोगे तो हीलिंग हमेशा ही वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ देने की इच्छा से करोगे तो हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई होप कि प्रैक्टिकल आपने सीखा हो अच्छे से कि कैसे एक इंसान को लिटा करके इस तरह से हीलिंग करते हैं। अगर और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लिखिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा, उसके भी जवाब मैं दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।